नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनो सुनाओ विद दीप्ति में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रूबरू करवा रही हूँ भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों, लेखकों और उपन्यासकारों के जीवन के बारे में। तो अगर आप साहित्य से जुड़ी बातों और इन साहित्यकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं प्रसिद्ध रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक साथ गंभीर से युक्त विद्वान और मस्त मौला रचनाकार थे। जीवन को उन्होंने बंधन की तरह स्वीकार नहीं किया, अपितु खुले भाव से जिया। जीवन की कठिनाइयों के बीच कभी हार नहीं मानी, जीवन भर निडर रहे। डॉक्टर नामवर सिंह के शब्दों में, इस फक्कर मनीषा को न गुरु का डर है, न वेद का, न शास्त्र का और न ही लोक का ही। किंतु लोक से न डरने का अर्थ लोक की उपेक्षा तो नहीं है। आचार्य द्विवेदी के फक्कड़पन की यही विशेषता है। आचार्य द्विवेदी में ऐसी सहजता है जो अपने संबंधों को मनुष्य से ही नहीं, पशु पक्षियों, वृक्षों, लताओं, खेतों, मैदानों से बिना किसी अलगाव के साथ जोड़ लेती है। अपनी शोधपरक और विवेकशील दृष्टि से वे वस्तुओं के साथ संबंधों को नए रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के ओज बलिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके प्रपितामह आरत दुबे बिहार प्रांत के छपरा जिले से यहाँ आकर बसे थे। उनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती देवी था। द्विवेदी जी के प्रपितामह आरत दुबे प्रसिद्ध ज्योतिष थे। द्विवेदी जी का परिवार सनातनी था। द्विवेदी जी का छात्र जीवन विषम आर्थिक परिस्थितियों के बीच बीता। द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूलों में ही हुई। मिडिल स्कूल पास करने के बाद वे काशी आ गए। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने इंटर की प्राइवेट परीक्षा के फॉर्म की फीस के लिए 7 दिन कथा बांचकर जो धन प्राप्त हुआ उससे भरी। उनके पिता उन्हें ज्योतिष और वकील बनाने के इच्छुक थे। संस्कृत पाठशाला काशी से उन्होंने प्रवेशिका की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1927 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1930 में उन्होंने ज्योतिषी की भी डिग्री हासिल कर ली। 1927 में उनका विवाह हो गया था। घर गृहस्थी चलाने के लिए व्यवसाय जरूरी हो गया था। उन्होंने अध्यापन को अपनाया। इस काम को वे पसंद करते थे। 1930 में वे शांति निकेतन में शिक्षक नियुक्त हुए और 1950 तक वह वहीं रहे। बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ आदि में भी अध्यापन कार्य किया। 1955 में आचार्य द्विवेदी जी को राजभाषा आयोग का सदस्य बनाया गया। 1950 से 53 तक वे काशी नगरी प्राचारिणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा भी उन्हें पुरस्कृत किया गया। सन 1979 में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। आचार्य का व्यक्तित्व उन्मुक्त था, उनमें आकाश का खुलापन था। उन्होंने शिष्यों की एक ऐसी परंपरा दी जिन्होंने बाद में हिंदी साहित्य और आलोचना का विकास किया। इनमें नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, शिव प्रसाद सिंह आदि प्रमुख हैं। वे उदार मानवीयता में विश्वास करने वाले रचनाकार और आलोचक थे। दबे कुचले लोगों और स्त्रियों के प्रति उनमें सहानुभूति थी। जीवन की भीषण परिस्थितियों को झेलने की क्षमता उनमें थी। उनकी जड़ें लोक में काफ़ी गहरी थी और वहीं से रस खींचकर अपनी रचनात्मकता को पुष्ट करते रहे। आलोचना कर्म और रचना कर्म को एक साथ निभाने की कला हिंदी में कुछ गिने चुने व्यक्तियों में ही दिखाई पड़ती है। द्विवेदी जी उनमें से एक थे। उन्होंने अपने आलोचना कर्म से हिंदी साहित्य को समझने की मानवतावादी दृष्टि प्रदान की, तो दूसरी ओर अपने उपन्यासों और ललित निबंधों के द्वारा उन्होंने रचनात्मक संवेदना को भी जागृत किया। सही अर्थों में उनमें विरुद्धों का सामंजस्य है। देखा तो यह भी गया है कि आलोचना के भार से रचनात्मक प्रतिभा दब जाती है,
लेकिन द्विवेदी जी में आलोचना की धार रचना को अधिक पैना करती है। आलोचना और रचना उनके यहाँ एक दूसरे के पर्याय हैं, वे एक दूसरे को उत्तेजित और पुष्ट करते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल उनके साहित्य के इतिहास संबंधी ग्रंथ है। द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को लोक चिंता के संदर्भ में देखने का प्रस्ताव किया और भारतीय चिंतन धारा के स्वाभाविक विकास पर बल दिया। उनका इतिहास बोध मिथक और लोक विश्वास के आत्मीय संसार से जुड़कर जीवंत हो उठा है। उनके निबंध ललित निबंध हैं। निबंध का विशाल भंडार उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया। उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं विचार और वितर्क, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व आदि। उनके निबंध में जहाँ विचारों की उन्मुखता और स्वच्छंदता है और उनके अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन है, वहीं वे सांस्कृतिक इतिहास की भी रचना करते हैं। निबंधों की रचना प्रवाह में बहुत से विषय अनायास ही आ जाते हैं। इतिहास, दर्शन, नवविज्ञान, विज्ञान आदि न जाने कितने विषयों को स्पर्श करते हुए उनके निबंध विचार और संवेदना का लालित्य प्रस्तुत करते हैं। द्विवेदी जी के आलोचनात्मक साहित्य को निम्न क्रम में रखा जा सकता है। सूर साहित्य नाम से आलोचना पुस्तक 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कबीर का प्रकाशन काल 1942 ईस्वी है। साहित्य सहचर 1949 में पुस्तक के रूप में सामने आई। कालिदास की लालित्य योजना को 1960 में रचा गया। द्विवेदी जी के आलोचना लेखन की महत्वपूर्ण विशेषता उनकी दृष्टि की समग्रता है। साहित्य को वे मानवतावादी दृष्टि से देखते परखते हैं। उनकी सौंदर्य दृष्टि का भवन विविध ललित कलाओं से परिपक्व होता है। साहित्य विश्लेषण में उनका संदर्भ भी यही है। सृजनात्मक दृष्टि की संपूर्णता ही उनकी आलोचनात्मक दृष्टि की पूर्णता का आधार है। नाथों और सिद्धों के साहित्य का भी उन्होंने गहन विवेचन किया था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के साहित्य के उनके विस्तृत अध्ययन ने हिंदी साहित्य की परंपरा को समझने का ठोस आहार दिया। हिंदी साहित्य के मूल उत्स को विशोध परक नज़र से देख पाते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभ में नागपंथी योगी जैन मुनियों के साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं मध्यकालीन धर्म साधना 1952, सहज साधना 1954 और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1960। रविन्द्रनाथ ठाकुर की जीवन दृष्टि और साहित्य का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने साहित्य में प्राचीन ग्रंथों का संपादन भी किया। नामवर सिंह के साथ उन्होंने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो का संपादन, नाथ सिद्धों की वाणियाँ और विश्वनाथ त्रिपाठी के साथ संदेश रासक का संपादन किया। रचनात्मक साहित्य में उन्होंने निबंध के अतिरिक्त उपन्यासों की रचना की। उनके उपन्यास ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। उनका बल तात्कालिक समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की पुनर्रचना करना रहा है। भारत आरंभ से ही विभिन्न संस्कृतियों की संगम स्थली रहा है। इनमें सम्मिलित से जो मानव संस्कृति विकसित हुई है, उसे उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से उसके द्वारा जीवंत रूप दिया है। उनके उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नरवा और अनामदास का पोथा।